नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। न केवल इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको इनके भाग्य का इस प्रकार से मिलेगा, साथ के जिस कार्य को भी ये लोग करेंगे शुरू, उस कार्य में इनको भी मिलेगी सफलता। अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का पूरी दुनिया के ज्योतिष वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 152 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि इस चंद्र ग्रहण पर पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। 152 वर्षों बाद ये पहला एक ऐसा चंद्र ग्रहण होगा जिसमें इंद्र योग, ब्रह्म योग, महालक्ष्मी योग जैसे पूरे 52 तरीके के योग बनेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण लगता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण लगने के तुरंत बाद 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में न केवल एक चमत्कार होगा, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, बल्कि 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में अब इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा और इनके नवग्रहों का साथ मिलेगा। इनके तारे, इनके राहु केतु इनका साथ इस प्रकार से देना शुरू कर देंगे कि जिसके बाद ये जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में इनको अब अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनकी मनचाही नौकरी इनको मिलेगी। अगर ये नौकरी कर रहे थे तो इनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में इनको जीत मिलेगी, राजनीतिक लाभ होगा, इनके विरोधी, इनके दुश्मन इनके सामने घुटने टेक देंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो था वो भारत में मान्य नहीं था। लेकिन 14 दिन बाद यानी कि 28 अक्टूबर 2023 को जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। अगर आप सूतक काल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक अशुभ समय होता है जिस दौरान नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और इस दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में सख्त बताई गई हैं और जिसकी जानकारी हम आपको अभी आगे वीडियो में बता देंगे। आखिर चंद्र ग्रहण लगता है कि नहीं, या तो वैज्ञानिकों के तौर पर बताया गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो चंद्र तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि धरती के द्वारा चंद्र को ढक लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना होती है बताया गया है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगता है, बाढ़ जैसे माहौल धरती पर कई जगहों पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा मनाई जाती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा सारी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। और जैसे ही ये चंद्र ग्रहण लगेगा, 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से इसलिए भी बदलने जा रहा है क्योंकि 12 में से 6 राशि वालों को साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ये अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो एक व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए,
और अगर एक व्यक्ति इन बातों को नजरअंदाज करके चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो गलतियां कर देता है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, तो मान के चलिए दोस्तों उस व्यक्ति के जीवन में उसका दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। उसको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानी, तनाव और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और भारत में कितने बजे खत्म होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में कितने बजे शुरू हो जाएगा और इस दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, जिनको भगवान चंद्रदेव जी की और माता लक्ष्मी की कृपा मिलने जा रही है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि पर कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा। तो देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर की रात को चंद्र ग्रहण 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। यह चंद्र ग्रहण 1:06 पर अपने पूरे रूप में आएगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर होगा। चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 2:24 पर होगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो होगा वो भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हिंद महासागर, अटलांटिक और दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू हो जाएगा, और इसी दौरान कुछ ऐसी गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हमारे पुराणों में सख्त बताई गई हैं, वरना आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है तो वो भूलकर भी चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद और चंद्र ग्रहण के खत्म होने तक घर से बाहर ना निकलें, वरना इसका सीधा प्रभाव गर्भवती के पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। दूसरा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू हो जाए आपको ना तो मूर्ति पूजन करना है ना मूर्ति स्पर्श करना है, और इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, तुलसी के पौधे को भूलकर भी मत छू लीजिएगा। इस चीज की हमारे पुराणों में सख्त मनाही की गई है। तीसरा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू हो जाता है इसके बाद नमक और लोहा भूलकर भी मत खरीदिएगा, वरना इससे आपके जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक काल शुरू हो जाने के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, मांस, अंडा, मछली, दारू, सिगरेट, पान, मसाला, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, इन चीजों का भूलकर भी सेवन मत कीजिएगा, वरना आपके जीवन में कई प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा, शारीरिक संबंध ना बनाइएगा। अब आपको अभी तक हमने बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब चंद्र ग्रहण जो होगा वो रात में 11:30 शुरू हो जाएगा, और इस दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण जैसे ही शुरू हो जाता है इसके बाद ना तो घर पर खाना बनाइएगा ना तो घर पर खाने का सेवन कीजिएगा। चंद्र ग्रहण की जैसे ही शुरुआत हो जाती है आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि
जैसे नुकीली चीज हो गई, जैसे चाकू चोरी, इन चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन्हीं चीजों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो इस चंद्र ग्रहण का कोई भी असर आप लोगों पर नहीं पड़ेगा। अब वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा, और आपको एक एक करके हर राशि के बारे में बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को यह बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, अब वो नौकरी आपकी लग जाएगी। कई कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर आप इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। दूसरी राशि है तुला राशि। इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय आपका बताया जा रहा है बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। आपके जीवन में अनेक प्रकार की आपको सफलताएं मिलेंगी, व्यापार में वृद्धि होगी, लाखों करोड़ धन पाने के योग बन रहे हैं। जो आपने कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज से आप बहुत परेशान थे, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन साथी से जो आपकी अनबन चल रही थी, वो सारी अनबन अब खत्म हो जाएगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बताया जा रहा है कि आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जो आपका मामला चल रहा है, वहां पर आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है जितनी देर में चंद्र ग्रहण लगा रहता है, उतने समय जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलता है। और अगर आपने 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन वो उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसमें आपको 3 लौंग की जरूरत है और जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इतना ही करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। अब आप बार बार ये सोचेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लौंग होती है इसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। वेद पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा सिद्ध हो जाए, तो उस पूजा में आपको लौंग लेकर के जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर माता लक्ष्मी की पूजा में आप लौंग का प्रयोग और उपाय करेंगे तो उस उपाय को आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और तंत्र शास्त्र में लौंग के उपाय को सबसे उत्तम बताया गया है। यहां तक कि ऋग्वेद में यह भी लिखा हुआ है कि अगर सही दिन पर, सही मार्ग पर लौंग का उपाय किया जाए तो वो उपाय कभी भी खाली जा ही नहीं सकता है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि टोना टोटका का उपाय करके अगर कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है तो इस दुनिया का हर व्यक्ति मेहनत ना करता, सिर्फ टोना टोटका ही करता, तो दोस्तों ये आपकी नकारात्मक सोच है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बता रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एकादशी, पूर्णिमा जैसे पवित्र और पावन दिनों पर ऐसे अमीर व्यक्ति जरूर ना जरूर कोई ना कोई उपाय करते ही करते हैं, जिसका लाभ उनको पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण की रात हमारे वेद पुराणों के अनुसार सबसे ताकतवर रात होती है। इस रात आप कोई भी उपाय करेंगे, वो उपाय खाली जा ही नहीं सकता। इसीलिए पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं, वो इसी रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अगर आपने 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा एक साथ लग रहा है, उस दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग का वो महा उपाय कर लिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं,
तो दोस्तों यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपको आपका भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलेगा जिसके बाद आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप ही की नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ पर साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी का आपको वो वरदान मिल जाए जिसके बाद सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों में से कुछ उपाय आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले करना है और कुछ उपाय ऐसे हैं जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद करना है। अब आप सोचेंगे सूतक काल क्या होता है, तो दोस्तों जो सूतक काल होता है इस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इस दौरान जो भी उपाय किया जाता है वो उपाय तुरंत सिद्ध हो जाता है। इसी दौरान दुनिया भर के तांत्रिक जो होते हैं वो टोना टोटका करते हैं, और दोस्तों यकीन मानिए इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है, इसलिए कॉपी पेन किताब में हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से लिख लीजिए और इस उपाय को करके आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो है राहु केतु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करना चाहते हैं, बहुत ही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और भाग्य का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और चंद्र ग्रहण हो गया, एकादशी हो गई, ऐसे पवित्र दिनों पर भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। आपको क्या करना है, आप लोगों को 28 अक्टूबर 2023 के दिन शाम के वक्त मतलब 4:30 बजे के बाद नहाना है, धोना है, पीले कपड़े पहन लीजिएगा, आपको लेना है घी का दीपक, आपको लेना है 3 लौंग और घी का दीपक ले जा करके घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जला दीजिए। ध्यान रखिएगा पीपल के पेड़ को छूना नहीं है, बस पीपल के पेड़ के पास आपको घी का दीपक जला देना है, आपको हाथ में 3 लौंग पकड़ना है और 11 बार भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप जलते दीपक में ये 3 लौंग आपको डाल देना है, सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। 28 अक्टूबर 2023 के दिन इतना करने भर से आपका दुर्भाग्य आपको छोड़ करके चला जाएगा और आपका भाग्य आपका राहु आपका केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा, भगवान विष्णु जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहेंगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का साक्षात आपको वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये उपाय आपको सूतक काल के बाद करना है जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय जैसे ही आप करेंगे मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिल जाएगा। बहुत आसान से उपाय हैं, आपको क्या करना है, आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मतलब 28 अक्टूबर 2023 के दिन 4:30 बजे के बाद एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा सिर्फ पीतल की कटोरी आप ले सकते हैं, उसमें आपको रखना है 3 लौंग और इसी कटोरी को ले जाकर के छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर चंद्र ग्रहण की थोड़ी सी भी रोशनी आती है। सिर्फ इतना करना है 29 अक्टूबर की सुबह उठते ही नहाने धोने के बाद वो पीतल की कटोरी उठा करके लाए,
तीन लौंग जो आपने कटोरी में रखी है उस लौंग को उठाइए और किसी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए। आप बस आपको बता दें, ये जो लौंग है इस पे चंद्रमा की रोशनी पड़ी है, शरद पूर्णिमा के दिन ये लौंग आपके जीवन में एक वरदान बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। इस लौंग के दम पर आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी, तो आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय है शनि दोष मंगल, दोष दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आपके ऊपर कोई दोष है, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, साढ़े साथी चल रही है या ढैया चल रही है, तो आपको क्या करना है, साढ़े चार बजे के बाद 28 अक्टूबर को आप लोगों को बस एक सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े में दो लोटा चावल डालना है, उसमें डालना है तीन लौंग। इस सफेद कपड़े की पोटली बना करके अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है, 29 अक्टूबर को इसी दो लौटे चावल का दान किसी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को कर देना। इतना उपाय आपने कर लिया तो मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी दोष होगा वह दोष का प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।